आज लोनी विधानसभा अंतर्गत अशोक विहार स्थित प्राचीन शिव नागेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में मेरठ जिले के किला परिषद घर से पधारे श्री राधा माधव ट्रस्ट के संचालक तथा व्यास आचार्य श्री रघुनंदन रामानुजाचार्य जी महाराज के मधुर वचनों द्वारा अमृत वर्षा की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं में मंदिर के महंत रायनाथ चौधरी, अजयपाल, मुन्ना दुबे, सूरजभान सैनी, तेज सिंह ठाकुर, नन्हे दुबे, बाबूलाल, शीशपाल, बॉबी सैनी, दीपक वर्मा, राजकुमारी सीमा, बाला, शांति सहित भारी संख्या में श्रद्धालु अमृत वर्षा में सराबोर होते रहे। अमृत वर्षा के दौरान आचार्य तरुण रामानुजाचार्य के साथ साथ ढोलवादक बाबी तथा हारमोनियम पर साथ दे रहे कपिल हिंदुस्तान की भूमिका भी सराहनीय रही। प्रवचन के दौरान अजामिल की कथा से भक्तों को विभोर करते हुए व्यासाचार्य रघुनंदन रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा, कभी भी गुरु के द्वारे पर जाओ तो स्वयं को उनके प्रति समर्पित भाव से जाओ, गुरु साक्षात आपको वैकुंठ ले जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। जीवन की बिल्कुल ही नई जैसी शुरुआत लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। अब तो तेरे ही रूप में बस प्रभु का एहसास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे कभी भी गुरु के दरबारे पर जाओ तो ये मत सोच के जाओ कि बहुत बढ़िया साड़ी हो, गले में ये हो, इस तरीके स्वर्ण जड़ित हो। अरे आप जैसे भी हो, गुरु को समर्पित हो जाओगे तो गुरु आपको उसी दिन वैकुंठ ले जाएगा। इसीलिए कहा भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो गुरु भगवान की। क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे धर्म का प्रचार और प्रसार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे? सोती हुई जनता को भगवान वो तरीके से जगाया जाता है। कहा भी है, हमारे शास्त्रों में कहा है कि देश को या किसी को भी उनसे कोई नुकसान नहीं होता, जो थोड़े कम
पढ़े लिखे कम समाज के होते, लेकिन परेशानी उनसे होती है जो समझदार होते हुए पढ़े लिखे होने के बावजूद भी समझना नहीं चाहते। जो कथा, जो धर्म का प्रचार चल रहा है, जो स्वच्छ अभियान हमारे यहाँ पर भी देखिए सभी करते हैं, लेकिन हम हृदय की जो कलमस है उसको मिटाने का कार्य करते हैं। क्योंकि यदि हृदय की कलमस नहीं मिटी तो कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि कहा है अहिंसा परमो धर्म। हाँ, अहिंसा हमारा धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तदेव च। धर्म के लिए भी हमें ही सब कुछ करना है, हमें न्योछावर भी होना पड़े तो होना हो जाना चाहिए। जब तक अंदर हृदय में हमें प्रभु नाम नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा सभी से आह्वान है, निवेदन है, विनती है कि जितना हो सके प्रभु का भजन करते रहना चाहिए। क्योंकि केवल एक माध्यम यही है जो आपको सीधा प्रभु से जोड़ता है, और जिस दिन आप प्रभु से जुड़ गए उस दिन आपके सारे समस्त पाप दुख कलेश सब नष्ट हो जाएंगे।